आजकल हम आपसे बात कर रहे हैं 12 लग्न में किस प्रकार से राजयोग होते हैं और कैसे आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं। इसके विषय में मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 राशियों के राजयोग के विषय में बताया। अब आज 7वीं राशि तुला को लेते हैं, जिसका स्वामी शुक्र है। विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधीर दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन, एवं विशेष करके शुक्र लग्न वालों के लिए। शुक्र लग्न मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुला का स्वामी शुक्र होता है, जो जल राशि है, सौंदर्य का प्रतीक है। अगर शुक्र अच्छा न हो तो व्यक्ति सुंदर नहीं होता। जितने भी आपके सांसारिक सुख हैं, उसकी प्राप्ति शुक्र से ही होती है। जितनी भी खुशबूदार चीजें हैं, उन सब का कारक शुक्र होता है। इत्र का कारक भी शुक्र ही होता है, सौंदर्य प्रसादन का भी कारक शुक्र ही होता है। तो तुला लग्न वाले, आज हम आपकी बात करते हैं। पहले इस बात को जरूर आप ध्यान दें कि राजयोगों का बनना लग्न से निर्धारित होता है, क्योंकि लग्न ही व्यक्ति होता है। अगर व्यक्ति है तो उसके राजयोग की चर्चा हम करते हैं, और चंद्रमा मन का कारक होता है। हालांकि तुला लग्न वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों ही शुभ फल कारक होते हैं, क्योंकि एक तो शुक्र उनका लग्नेश हो गया और चंद्रमा दशमेश हो जाता है, और दोनों ही जल राशि है। तो देखते हैं तुला लग्न वालों के लिए सबसे पहला क्या, तो लग्नेश शुक्र लग्न में हो, कर्मेश चंद्रमा लग्न में हो, लग्नेश शुक्र दशम में हो, दशमेश चंद्रमा दशम में हो, लग्नेश एवं दशमेश चंद्रमा दोनों ही दशम भाव में हो, भाग्येश बुध लग्न में हो, लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में हो, लग्नेश एवं भाग्येश अर्थात शुक्र एवं बुध ये दोनों ही लग्न में स्थित हो, पंचमेश शनि लग्न में हो। आपको तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि तुला में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो शनि का बहुत महत्व होता है तुला वालों के लिए। हालांकि थोड़ा धीरे धीरे करके उनकी उन्नति हो पाती है, क्योंकि शनिश्चर रति स शनिश्चर। पंचमेश शनि लग्न में हो, पंचमेश शनि शुक्र के साथ में लग्न में हो, पंचमेश शनि भाग्येश बुध तथा लग्नेश शुक्र लग्न में हो, लग्नेश शुक्र दशमेश चंद्रमा भाग्येश बुध दशम भाव में हो, भाग्येश बुध दशमेश चंद्रमा लग्नेश शुक्र दशम भाव में हो। मंगल जो कि तुला लग्न वालों के लिए द्वितीय हो जाता है, वो लाभ भाव में हो, लाभेश सूर्य द्वितीय भाव में हो, लाभेश सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ हो, लग्नेश शुक्र भाग्येश बुध पंचमेश शनि ये तीनों ही लाभ भाव में हो, द्वितीयेश मंगल तथा लाभेश सूर्य ये दोनों लाभ भाव में हो, लाभेश सूर्य तथा द्वितीयेश मंगल दोनों द्वितीय भाव में हो, कर्मेश चंद्रमा तथा लग्नेश शुक्र एवं भाग्येश बुध ये तीनों भाग्य भाव में हो। तो ये सभी
बहुत शुभ राजयोग बनाते हैं, लेकिन ध्यान दें तुला लग्न वाले थोड़े आलसी होते हैं तथा दिखावा भी करते हैं। जितना काम करते हैं उससे ज्यादा वो दिखावा करते हैं कि मैंने काम किया। तो देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप बिना उद्यम के कुछ नहीं पा सकते, जैसे सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण नहीं जाता। तो आप कर्मठ होए, काम को करें और आगे बढ़ते रहें, तो सारी दुनिया आपके कदमों में है। आप हैं जल तत्व, लेकिन फिर भी काफी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में शुक्र जो है वो राहु या केतु के साथ में होने से उनकी क्षमता कम हो जाती है। राजयोग तो होता है क्योंकि शुक्र और राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु, शुक्र और राहु ये सफलता तो देते हैं लेकिन शरीर के लिए थोड़े हानिकारक हो जाते हैं। तो इसीलिए बचना चाहिए राहु की युति से, लेकिन किसी के भी उसमें नहीं है। आप कर्मठता करें, आप कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको और भी जानकारी देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून्ड।